हेलो फ्रेंड्स, त्योहारों के डे 6 के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है, ऐसी जगह बतानी है जहां पर इलोजी की सवारी निकलती है होली पर। तो उसका राइट आंसर होगा डी, बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। देखो, इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो एक तो गणगौर वैसे तो तीज पे आती है, और गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है, और ये नाथद्वारा में मनाई जाती है, जबकि गुलाबी गणगौर का मेला जो है वो जोधपुर में भरता है। क्वेश्चन थर्ड है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पाँच को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अच्छा, वो वापस आ गया, क्वेश्चन थर्ड है, तो कौन कब मनाई जाती है, नाथद्वारा में मनाई जाती है, ठीक है, और जोधपुर में जो है वो गुलाबी गणगौर का मेला भरता है। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, अलग अलग है। क्वेश्चन फोर है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। तो प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर का पूजन होता है, और तिथि क्या रहती है, तृतीय है, शुक्ल पक्ष की तृतीय है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फाइव है, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। तो ढूंढ आप जानते हैं कि होली के अवसर पर बांटा जाता है, डी इसका राइट आंसर होगा। इस दिन सभी आते हैं, खाना करते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो इस तरीके से ढूंढ सेलिब्रेट होता है बच्चे होने पर। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स है, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो देखो, वैसे तो तीज दो होती है, एक छोटी तीज और एक बड़ी तीज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे दो महीने में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको ऐसे सिचुएशन में, तो श्रावण इसका राइट आंसर है, ए। ठीक है, क्वेश्चन सेवन है, गोगा नम्मी कहा जाता है। गोगा नम्मी का आप बताएंगे, क्योंकि मैं कई बार इसका आंसर बता चुकी हूँ, तो गोगा नम्मी कब मनाई जाती है ये आप बताएंगे। ठीक है, और बाकी के जो भी त्यौहार हैं उन सबको आप लिखते जाना कि कब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते हैं। राजस्थान में ऊप छठ पर्व कब मनाया जाता है। अभी मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि ऊप छठ को चना छठ भी कहा जाता है, और ये जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आता है। ठीक है, षष्ठी को ये आता है, और अष्टमी को जन्माष्टमी आती है, नवमी को गोगा नवमी आती है। क्वेश्चन नाइन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है। तो देखो, नागपंचमी आती है, तीज आती है, रक्षाबंधन आता है, लेकिन जन्माष्टमी जो है वो भादवा के महीने में आती है, डी इसका राइट आंसर होगा। भादवा की कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन टेन है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है। अब शीतलाष्टमी जो है वो होली के 8 दिन बाद मनाई जाती है, और होली जो है वो पूर्णिमा को आती है, पूर्णिमा के बाद महीना चेंज हो जाता है, और कौन सा लग जाता है, चैत्र लग जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से याद करने के तरीके भी होते हैं, क्योंकि कितनी चीज़ें आप रटोगे, तो कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली, जैसे हाँ हम इस त्यौहार को तब मनाते हैं, तो इस तरीके से भी याद रखो तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन हर बार इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।